हेलो दोस्तों, आप सभी के नए वीडियो में स्वागत है। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम ग्राम में समाज एवं विकास संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप कौन सा सही नहीं है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। 20 का 84 इक्वल टू 1 बीसवांसी, 20 बीसवांसी इक्वल टू 10 बीसवा, 20 बीसवा इक्वल टू 1 बीघा, 1 बीघा इक्वल टू 55 इंटू 55 वर्ग गज। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सही आंसर है बी, 20 बीसवा इक्वल टू 1 बीसवा होता है, यहाँ 1 रहेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, ये उद्गार किसका है। ये कथन किसका है आपको बताना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जगजीवन राम, सिकंदर भक्त, लाल बहादुर शास्त्री। इसका सही आंसर है ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आपका चकबंदी लेखपाल 8/11/2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है। चांदी का उत्खनन, अंडा और चिकन का उत्पादन, कपास का उत्पादन, स्वच्छ पेयजल का बोतलीकरण। इसका सही आंसर है अंडा और चिकन का उत्पादन। हरित क्रांति आप जानते ही हैं खाद्यान्न उत्पादन संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति आपको पता ही होगा मत्स्य उत्पादन संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन है। केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, पत्ती, पंखुड़ी, बाह्य दल या वर्तिकाग्र। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही आंसर है डी, वर्तिकाग्र। केसर के पौधे का वर्तिकाग्र भाग जो होता है वो उपयोग में लाया जाता है। केसर का वैज्ञानिक नाम होता है क्रोकस सैटिविकस। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। अब महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है। ए है शतपथ ब्राह्मण, बी है उपनिषद, सी है रामायण, डी है महाभारत। इसका सही आंसर है ए, शतपथ ब्राह्मण। महाजनी प्रथा का उल्लेख जो है सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन। ललित किसकी एक उत्तम किस्म है। ललित जो है किसकी उत्तम किस्म है आपको बताना है। आम, संतरा, पपीता, अमरूद। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अमरूद। तो आपको जो किस्में हैं, जो नई नई किस्में आती हैं उसके बारे में आपको एक बार पढ़ लेना है, ताकि आपको आसानी से आंसर पता चल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन। कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए। 90 डेसिबल, 100 डेसिबल, 120 डेसिबल, 150 डेसिबल। तो बताइए। चलिए इसका सही आंसर है ए, 90 डेसिबल। तो 90 डेसिबल से अधिक आवाज़ नहीं होनी चाहिए जो कृषि कार्य में लगा ट्रैक्टर हो। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए का प्रयोग किया जाता है। जब पानी का स्रोत और निकास दोनों ज़्यादा हो, जब पानी का निकास ज़्यादा और स्रोत बंद हो, जब पानी का स्रोत और निकास दोनों बंद हो, जब पानी का निकास मंद और स्रोत ज़्यादा हो। इसका सही आंसर है डी, जब पानी का निकास मंद और स्रोत ज़्यादा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धान में भूसी का प्रतिशत अनुपात अनुमानता कितना होता है, 10%, 15%, 20% या 35%। तो धान में भूसी कितना प्रतिशत होता है आपको बताना है। इसका सही आंसर है सी,
20%। आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी और देना चाहता हूँ, गोल्डन धाम, गोल्डन धान जो होता है इसमें सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए होता है। गोल्डन राइस में आपसे पूछ लेगा कि कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन ए किसमें होता है, गोल्डन राइस में, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर होती है, जो चावल के उन्नत बीज होते हैं उनका प्रति हेक्टेयर में कितना बीजारोपण दर होती है आपको बताना है, 10 KG, 15 KG, 25 KG या 30 KG। तो इसका सही आंसर है बी, 15 KG। जो चावल के उन्नत बीज होते हैं उनका प्रति हेक्टेयर बीजारोपण 15 किलोग्राम होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।